जिसको यहां बुला लिया जिसको शाम ने बुला लिया उससे बाबा नाराज थोड़ी नाराज होता तो बुलाता नहीं। कोई रिश्तेदार आपसे नाराज होता है कभी भी बुलाता है आपको कि मेरे पास आओ, न बुलाता है और न जाता है, लेकिन खुश रहता है तो बुलाता भी है और जाता भी है। हाँ, जिस दिन अगर बुलावा नहीं आया उस दिन जरूर सोच ले हम कि हमसे कोई भूल हुई है, इसलिए ठाकुर ने हमें एक बार दूर कर दिया, लेकिन नजदीक आ सकते हैं फिर भी। कान पकड़ लिए, अरदास लगा दी, फिर बुला लिया। इसलिए मेरा तो यही मानना है, यहां आकर सिर्फ इतना ही कहना काफी है, बाबा दयालु तुम्हारी दया चाहता हूं, दया चाहता। मेहर मालिया क्या, मेहर मालिया मांग लूंगा दे भी देगा, लेकिन आज शरणागत आया हूं, कल सोचूंगा कि अब तो मुझे बहुत कुछ बना दिया, एक नंबर दरवाजा मिल जाएगा, है ना। इसलिए दयालु तुम्हारी दया चाहता हूं, दया चाहता हूं, चरणों में थोड़ी जगह चाहता हूं, चरणों में थोड़ी जगह चाहता हूं, जगह चाहता। कौन कौन ये चाहता है उठाओ तालियां बजाकर। दयालु तुम्हारी दया चाहता हूं, दया चाहता हूं, Oh, my God.
आपने कृपा कर दी, मैं लोगों को जानने लगा, लोग मुझे जानने लगे, बस यही गलती हो रही बाबा, आपके और मेरे बीच में दूरी हो गई, अज्ञानता ने घेरा डाल दिया, जिनको जो कभी मेरे नहीं हो सकते उनको अपना मान लिया, और जो हमेशा मेरा था उनको सेकंड प्रायोरिटी में दे दिया। अज्ञानता ने घेरा जमाया, अज्ञानता ने घेरा जमाया, किया मन को चंचल ऐसा लुभाया, किया मन को चंचल ऐसा लुभाया, ले लो शरण मैं शरण चाहता, मेरी आवाज से ज्यादा आपकी ताली आनी चाहिए, कसम से हम भी एक एक तालियों का हिसाब देगा मेरा बाबा। हालांकि जो मैं कह रहा हूं कहना मुश्किल है, मैं बहुत छोटा हूं,
आपको विश्वास दिला रहा हूं, कितना ही बड़ा से बड़ा तूफान सर पर है, आपको लग रहा है कि नहीं बचोगे, लेकिन अगर आपके मन में किसी किंचित मात्र किसी एक कोने के अंदर में यह विश्वास है ना कि मेरा वंश नहीं होगा, मेरा बाबा मेरे पीछे खड़ा है, तो भगवान को हारना पड़ेगा। प्रेम कहना बाबा से विश्वास है,
जीवन देने वाले की। पप्पू भाई का